नमस्कार। खास चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी। मैम स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम प्रेस्टीज अपने 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई शुभकामना? पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारे जैद साहब ने जो शुरू किया था, पहले उनका अपना काम तो था ही, मगर जब वो एजुकेशन फील्ड में आए तो एजुकेशन फील्ड में चलाना वहाँ तक ठीक है कि एक कॉलेज चला लिया, फिर कॉलेज के अलग अलग गया, ये किया, पहले मैनेजमेंट किया, फिर कुछ किया, ये ठीक है। लेकिन उनकी बात बेटे देवीश ने भी उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए ऐसा जो उदाहरण देखने मिलता है कि मैनेजमेंट में भी आज अगर नाम लिया जाता है तो नाम के पहले तो हम प्रेस्टिज फूड करके जानते थे, है ना, सोयाबीन के इसमें था, मगर अब वास्तव में एजुकेशन के क्षेत्र में भी प्रेस्टिजियस बनना, दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। और वो प्रेस्टिज के पूरे परिवार ने करके दिखाया है। देवेश तो इसमें आगे है ही, सबसे ज़्यादा पिताजी का काम आगे बढ़ाया। मगर आज जो मैंने दूसरी बात एक देखी कि पहले तो जो हाथ में लिया उसमें मैंने जैसे कहा प्रेस्टिजियस उस इंस्टीट्यूट को बनाया, ये बड़ी बात, उसका एक नाम हो गया कि आज कोई भी बोलता है बिजनेस मैनेजमेंट गो टू प्रेस्टिज इंस्टीट्यूट समथिंग लाइक दैट। मगर अब इसके आगे जो बात आज यहाँ मैंने देखी जो इंस्पायर करके शो शुरू किया है कि कई बार होता है गवर्नमेंट योजना बहुत अच्छी बनाती है, लोग कई बार, माफ करना मैं थोड़ी साफ साफ बोल रही हूँ, कि गवर्नमेंट का पैसा मिलता है इसलिए हम कुछ हाथ में लेते हैं, ऐसा शुरुआत तो हुई थी जो स्टार्टअप में जैसे हुआ या स्किल डेवलपमेंट में कई बार, और मैं कई बार बोलती थी कि स्किल डेवलपमेंट डजंट मीन, लोगों ने इसको ऐसा बना दिया था कि स्किल डेवलपमेंट मीन्स कंप्यूटर सिखाओ, फिर गांव के बच्चों को भी कंप्यूटर सिखाओ, अरे उनको उस कंप्यूटर का उपयोग है कि नहीं। स्किल डेवलपमेंट ही कल्पना यहाँ से निकली है माननीय मोदी जी ने जो निकाली, कि उससे जो बच्चा है वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, कुछ उसके अपनी खुद के अंदर जो बात हो उसको वो उभारे और वो स्किल्ड वर्कर भी बने, स्किल्ड मैनेजर जैसा भी बने, तो वो सब प्रकार से एक परिपूर्ण व्यक्तित्व बन के वो अपने तरीके कुछ काम कर सके। ये मैं जो, क्योंकि मैं उनके साथ ही रही 5 साल, तो जो उनकी बात समझी तो ये थी, और मुझे इसलिए दुख भी होता था कि हम केवल स्किल डेवलपमेंट पे कोई काम दे दिए, किसी संस्था ने, सामाजिक संस्था ने लिया, 4 कंप्यूटर लगाए, ये उसकी कल्पना नहीं थी। बाद में धीरे धीरे सुधार भी किया कि उतने ही काम भी देना आवश्यक है उतने लोगों को, ये सब किया। मगर सही माने में आज जो यहाँ आके मैंने देखा तो मुझे लगा कि उन्होंने समझा इस परिवार ने कि वॉट इज इट, वॉट इज एग्जैक्टली वो योजना क्या है, और इसलिए उसका जो नाम इंस्पायर रखा तो वास्तव में इंस्पायर कर रहे हैं बच्चों को कहो, महिलाओं को कहो कि आपके मन में जो बात है उसी को हम मदद करेंगे, उसी में हम आपको कुछ और सिखा भी देंगे, आपके जानकारी देंगे, आपके पीछे खड़े रहेंगे। और आज जैसा कॉर्पस फंड जो उन्होंने बनाया है मदद करने के लिए जो आवश्यक होता है, जगह उपलब्ध कराएंगे, अब ये आपके ऊपर है कि साल भर के अंदर अपने तो ये आप सक्षम हो के इनको थैंक्स दे करके बाहर जाओगे तो इनको ज़्यादा क्रेडिटेबल लगेगा, ज़्यादा आनंद आएगा उसमें। ये तो दे रहे हैं, बोल रहे कोई बात नहीं, साल भर नहीं 2 साल में करो, मगर पीछे कल्पना ये है कि हम आपको सब कुछ मदद दे रहे हैं, हमने आपको कुछ सिखाया, आप इंस्पायर भी हो गए यहाँ से, मगर बाकी लोग भी आपसे इंस्पायर हो। मुझे जो लगता है ये इंस्पिरेशन एक चलती रहने वाली प्रोसेस है, उसका नाम केवल इंस्पायर ऐसा नहीं है, वो सही माने में यहाँ स्किल डेवलपमेंट योजना को समझ करके, स्टार्टअप की बात को समझ करके इसका नाम जो इंस्पायर रखा, तो इंस्पायर इंस्पिरेशन यहाँ से भी मिलेगा, मगर आप बाहर जाके खड़े हो जाओगे तो बाकी लोग भी इससे इंस्पायर हो जाएंगे कि ये हुआ तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। जैसे अभी आपने आज, अब हम हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और आपने जितने युवा थे मौजूद कार्यक्रम में, तो उनके लिए कुछ आप मैं बच्चों को इतना ही कहना चाहूँगी, अब बच्चों, आजकल बच्चे बोलती हूँ कि कितना भी बड़ा
क्यों ना हो, वो मुझे मेरे अपने बच्चे जैसा ही लगता है। परसों ही कुछ ऐसी बात हो गई तो मैंने कहा कि मैंने, अरे बड़े है वो, तो मेरा बेटा एकदम से बोला बड़े बड़े नहीं, मेरे से 2 साल छोटे हैं। मतलब किसी अधिकारी के लिए या किसी के लिए बोला होगा मैंने, तो वैसा इसलिए मैं बोलती हूँ सब मेरे बच्चे जैसे हो गए। तो मेरा इतना ही कहना है, बच्चों से कहना है कि एक आपके भाग्य में एक अच्छी इंस्टीट्यूट आई है। ये भी आना कठिन होता है, कॉलेज में एडमिशन तो सब लेते हैं मगर अच्छी संस्था मिलना, अच्छे लोग मिलना, आपके पीछे वो खड़े रहना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर है। तो जीवन में उसका पूरा पूरा लाभ लीजिएगा और अपने जीवन में कुछ प्रेस्टीज नाम जैसा ही आप भी प्रेस्टिजियस बने, इसके लिए कुछ बच्चे करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप बात करने का, थैंक यू सो मच।